कार्रवाई कम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वस्तु के बड़े दाम वापिस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। आम जनता की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाए अपनी खूबसूरती। जो आज देश के अंदर बेरोजगारी जो पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और युवाओं को जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, देश की सरकार भी बोल रही थी कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उसके उल्टा आज देश के अंदर हो रहा है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है नौकरी से महरूम होना पड़ा है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग का एक आंकड़ा आया है कि 45 करोड़ लोगों ने जो रोजगार की तलाश को ही बंद कर दिया है, जो ये चीज़ को दर्शाता है कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी किस कदर है और सरकार बेरोजगारों को जो है रोजगार देने के अंदर विफल रही है। दूसरी तरफ जो महंगाई है, आप देखेंगे गैस के सिलेंडर जो है 1100 के आसपास पहुंच चुका है, और जो खाद्य वस्तुएं, तेल है या दूसरी और आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके दाम भी जो दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पेट्रोल डीजल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती थी, पहले 8-9% एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, वर्तमान सरकार उसको जो है 30-32% जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है पेट्रोल डीजल के अंदर, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम जो और ज़्यादा तेजी से ऊपर उठे हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि जो एक्साइज ड्यूटी को टोटल खत्म किया जाए और सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान की जनता को दिया जाए, तभी जो है हिंदुस्तान में महंगाई से जो है राहत मिल सकती है। तीसरा जो मुख्यतः भ्रष्टाचार, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं के साथ जो है रोजगार के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रदेश में भी जो है युवा को जो रोजगार मिलने चाहिए थे वो आज नहीं मिल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने चहेतों को जो नौकरी देने के लिए जो सारे पेपर लीक किए जा रहे हैं, या फिर वो पेपर बांटे जा रहे हैं, पेपर से पहले पैसों के साथ घीसफोक्त हो रही है, ये चीज़ों को जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सरकार समय रहते इन मुद्दों को लेकर जो है कोई कार्यवाही नहीं करती, तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन प्रदेश के अंदर होंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।